काफ़ी अर्से से रुके हुए थे, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट की जानब से एक शर्त लागू की गई थी कि रैपिड PCR टेस्ट करने के छात्रों को नहीं होगा, वो सफर नहीं कर सकते थे। तो आज इस तरह से कराची के जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देख सकते हैं कि ये PCR रैपिड टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई है। यहाँ दुबई जाने वाले मुसाफिर मौजूद हैं, उनके रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। तकरीबन ये 55 मिनट में इनकी रिपोर्ट दे दी जाएगी और 5 घंटे कबल फ्लाइट से 5 घंटे कबल इनको यहाँ पर बुलाया गया। तो इस तरह से बड़ा मसला एक हल हुआ है UAE जाने वाले मुसाफिरों का। मुल्क के 7 बड़े एयरपोर्ट पर ये रैपिड PCR टेस्ट का अमल शुरू कर दिया गया और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुसाफिर जो फंसे हुए थे वो अपनी मंजिल मकसूद पर जाना शुरू हो चुके हैं और रैपिड PCR टेस्ट का अमल की वजह से 55 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद इनको सफर की इजाज़त दी जाती है। तो ये फंसे हुए मुसाफिर UAE जाना शुरू हो चुके हैं।